नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। ठोई थाना क्षेत्र के भारूपुरा में सड़क के किनारे खड़े तीन युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, दो गंभीर घायल। स्कॉर्पियो चालक ने मारी तीनों युवकों को टक्कर, चालक के गाड़ी लेकर हुआ फरार। टक्कर में सचिन गुजर ढाणी डोपा वाली तन झाड़ली की हुई मौत। बंसीधर गुजर ने ठोई थाने में एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि शुक्रवार की रात लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच उसका भतीजा सचिन गुजर, पुत्र रूड़ाराम गुजर ढाणी ढोपावाली और उसके साथ कल्याणपुरा गांव का आयरन उर्फ बबलू, पुत्र सुबेर सिंह व ढाणी का नाथ की बुरानपुरा झाड़ली का आशीष कोक, पुत्र सिंबुदयाल, तीनों चीपलाटा से भारूपुरा रोड पर अपनी मोटरसाइकिल को सड़क किनारे कच्चे रास्ते में खड़ी करके आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी समय भारूपुरा की तरफ से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसकी गति तेज थी और चालक के लापरवाही से चलाकर लाता हुआ सड़क किनारे खड़े कच्चे रास्ते में मोटरसाइकिल व तीनों युवकों को टक्कर मारकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। तीनों युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिनको वाहन से चौमू की तरफ हॉस्पिटल के लिए निकले। रास्ते में सचिन गुजर ने दम तोड़ दिया और आयरन व आशीष कोक को चौमू के बराला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सचिन की डेड बॉडी को परिजन सीएससी थोई की मोर्चरी में रखवाए, जिसका शनिवार सुबह पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। मृतक सचिन गुजर तीन बहनों का इकलौता भाई था। एक बहन सचिन से बड़ी है और दो बहनें सचिन से छोटी हैं। सचिन के पिता मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। सचिन की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया और सचिन की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। कल रात से ही सचिन के गांव में चूल्हे नहीं जले। सचिन एक निजी संस्था में 10वीं कक्षा में पढ़ता था और इसके साथ साथ ही घर के काम में भी वो मदद करता था। तीन भाइयों का इकलौता भाई अचानक बिना किसी गलती के दुनिया छोड़कर चला गया। घर में बहनों का रो रोकर बुरा हाल है और सचिन की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ी हुई है।